ये किसी भेदभाव की राजनीति नेताजी के अंदर नहीं थी, कोई जातिवाद नेताजी के अंदर नहीं था। नेताजी हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़े, मजलूबों की लड़ाई लड़े। नेताजी का आज जो भी कार्य किए हैं वो हमेशा याद किया जाएगा। नेताजी को मेरा देश कभी भूल नहीं पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात, मैं हूं आपके साथ रमन। जैसा कि आज समाजवादी पार्टी के संरक्षक और समाजवादी पार्टी के मुखिया भी रहे, 3 बार के मुख्यमंत्री, 1 बार के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह जी आज इस दुनिया को छोड़ पहले, आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरा भारत उनको याद कर रहा है। ऐसे नेता बहुत ही कम इस धरती पर पैदा होते हैं। आज उसी खास बातचीत करने के लिए और बड़े ही दुख के साथ हमसे बातचीत, पहले भी वो डॉक्टर साहब से बयान देने का इच्छा नहीं था, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ तो ज़रूर बोलेंगे। तो डॉक्टर साहब, आज नेताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, आप क्या कहना चाहते हैं? आज नेताजी की कमी हम लोगों को बहुत खल रही है जी। इस धरती पे ऐसा नेता पैदा होना बड़ा मुश्किल है जी। जो गरीबों के मसीहा थे, मजलूमों के मसीहा थे, दबे कुचले के लोगों की सेवा करते थे, उनकी बात सुनते थे जी। नेताजी हमारे सभी जितने भी अल्पसंख्यक से ले के बैकवर्ड से ले के, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, एनी हाउ कोई जात, जो भी उनके पास जाता था सबकी बात विधिवत सुनते थे, उसको नेताजी अमल में लाते थे, काम को करते थे। किसी भेदभाव की राजनीति नेताजी के अंदर नहीं थी, कोई जातिवाद नेताजी के अंदर नहीं था। नेताजी हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़े, मजलूबों की लड़ाई लड़े। नेताजी का आज जो भी कार्य किए हैं वो हमेशा याद किया जाएगा। नेताजी को मेरा देश कभी भूल नहीं पाएगा, नेताजी को हम लोग नहीं भूल पाएंगे, नेताजी हमेशा हम लोगों को दिलों में ज़िंदा रहेंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि चाहे फॉरवर्ड के लोग हों, चाहे बैकवर्ड के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, नेताजी चाहे दुश्मन भी हो सबको प्यार करते थे और हर भावनाओं से देखते थे। आज वही कारण है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को देखने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी के बड़े चेहरे, यहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक सभा के दौरान उन्होंने कहा कि 3 दिन तक शोक सभा रहेगा, जो कि हर पॉलिटिकल पार्टियाँ भी उनके लिए कहीं ना कहीं दुख दर्शा रहे हैं। डॉक्टर साहब बताते हैं, लोग पहले नेताजी पहलवानी भी करते थे और मास्टर भी रहे हैं, तमाम उनकी कृतियाँ इस समय चर्चाओं में चल रही हैं। नेताजी के बारे में जितना कहा जाए वो कम होगा। नेताजी बड़े जुझारू नेता थे, धरती पुत्र कहे जाते थे, नेताजी कहे जाते थे, नेताजी ऐसे कोई नहीं कहा जाता, देश के प्रिय लोग ही सबको नेता कहते हैं। हमारे नेताजी के अंदर जो अच्छाइयाँ थी, मेरे ख्याल से ऐसे बिरले नेता में अच्छाइयाँ मिलेंगी। नेताजी हम लोगों के बहुत ही प्रिय रहे। आज हम लोग नेताजी को खो के और नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं है, हम लोगों को बहुत अफसोस है, बहुत दुख है। इस दुख की घड़ी में बहुत कुछ कहा नहीं जा कहना पा रहा हूँ। मेरा कहना, आज सारा देश, सारा प्रदेश जी, उत्तर प्रदेश सब नेताजी के बारे में शोकाकुल है। नेताजी के हम लोग हमेशा हमेशा अपने दिलों में याद रखेंगे जी। ज़्यादा बातचीत आज नहीं किया जाएगा क्योंकि आज नेताजी अलविदा कह गए पूरे देश को, इसलिए डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ज़्यादा बातचीत करना उचित नहीं है। हालांकि नेताजी एक ऐसे नेता थे, इस धरती पर वैसे नेता पैदा होना कहीं ना कहीं अब नामुमकिन है। तो चलते चलते कुछ कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब? पक्ष विपक्ष सभी नेताजी का सम्मान करते हैं जी। जितने भी नेता विपक्षी रहे, चाहे पक्ष के रहे, चाहे सरकार के रहे, चाहे विरोधी दल के रहे, हमेशा नेताजी सरकार में रहते थे तब भी तारीफ लोग करते थे, और सरकार नहीं रहती थी तब भी लोग उनकी तारीफ करते थे। नेताजी को कोई भी नेता चाहे जिस दल का हो, हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा है और हमेशा उनको याद करता रहेगा। हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर भी नेताजी के नाम से उनको जानते थे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े थे। ऐसे ही और खबरों को देखने के लिए देखते रहें हिंदुस्तान की बात। जय हिंद, जय भारत।